वेलकम बैक टू द चैनल। विश यू ऑल अ मेरी क्रिसमस। 2020 खत्म होने वाला है और 25 दिसंबर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है एंड एज पर मी ये लास्ट फेस्टिवल है इस ईयर का। तो आज मैं निकल गई हूँ क्रिसमस वाइब्स को फील करने के लिए। आप लोग भी मेरे साथ चलिए, टूर कराऊंगी आपको बैंगलोर के मॉल्स, बैंगलोर के चर्चेस और इसके बाद लास्ट प्लान है एक इटली जाने का और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं कि बैंगलोर कैसे सेलिब्रेट कर रहा है इस ईयर क्रिसमस। चलिए चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं गरुड़ा मॉल, जो कि बैंगलोर का वन ऑफ द फेमस मॉल है। आज का वेदर काफ़ी अच्छा है, कम्प्लीटली सनी डे है। जो लोग बाहर घूमने का प्लान बना चुके हैं उन लोगों के लिए काफ़ी आइडियल है। हर साल ये मॉल बहुत अच्छे से सजता है। इस साल चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे सजाया है इन लोगों ने। वेल, बाहर में तो ज़्यादा कुछ डेकोरेशन इन लोगों ने किया नहीं है, मैं वही फाइंड आउट करने का कोशिश कर रही हूँ। जी नहीं, बाहर ज़्यादा कुछ नहीं है। लगता है कि मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ, अभी शाम के 5:30-6 ही बज रहे हैं। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। ओके, तो हम लोग अंदर पहुंच गए हैं। अंदर में इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से क्रिसमस ट्री सजाया है। वाओ, फीलिंग ग्रेट। सीजन का मेरा देखा हुआ फर्स्ट बिग क्रिसमस ट्री है ये। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया है इन लोगों ने और साथ में कुछ फेयर का भी अरेंजमेंट किया है लग रहा है। जस्ट डेकोरेशन देखिए, मैंने जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए एक शॉट लिया है। ये शॉट मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। अच्छा, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, जूते मिल रहे हैं, स्टोल्स मिल रहे हैं, जंक ज्वेलरीज मिल रहे हैं। ओके, काफ़ी लाइवली लग रहा है, बहुत लोग हैं, चहल पहल काफ़ी है। अगर आप लोग घर में बैठ के बोर हो गए हैं तो ज़रूर आइएगा इस प्लेस को एंजॉय करने के लिए। अच्छा, ये इंटायर मॉल को इन लोगों ने इस हिसाब से डेकोरेट किया है। तो चलिए अभी ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकते हैं, मैं निकल जाऊंगी। वेल, हम लोगों ने पैदल चलना शुरू कर दिया है और जा रहे हैं सेंट पैट्रिक्स चर्च की तरफ। तो चलते चलते ना मुझे थोड़ा भूख लग गया है और मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ कि मुझे खाने को कुछ मिलता है कि नहीं, क्योंकि डिनर का जो प्लान है वो एकदम रात को है। चलिए, मुझे ये मोमो वाले भैया मिल गए हैं। वेल, कोई है नहीं इनके पास और कोई ख़रीदार, हम ही लोग खाएंगे। चलिए एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ कि कैसा है इनका मोमो। वेल, मोमो तो बना हुआ है, ये स्टीमर से निकाल के हम लोगों को दे रहे हैं। चलिए, मेरा हॉट हॉट मोमो रेडी होके आ गया है, दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेल, बाकी काफ़ी गर्म है, हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। वेल, इट्स क्वाइट जूसी, अच्छा है बट बहुत गर्म है। साथ में उन्होंने चटनी भी दिया है, मेयोनीज मैंने लिया नहीं, मैं वो खाती नहीं हूँ, इसलिए मोमो के साथ चटनी जो है ना, चटनी काफ़ी तीखा है, मैं आपको बोलने वाली हूँ। अरे यार, बहुत बहुत देर से खा रही हूँ, मुँह जल रहा है अभी, एक तो गर्म ऊपर से तीखा। फाइनली पहुँच गए हैं सेंट पैट्रिक्स चर्च। ये यहाँ का वन ऑफ द फेमस चर्च है, दूर दूर से लोग हमेशा क्रिसमस में यहाँ पे आते हैं। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन करते हैं ये लोग। इस साल क्या किया है नहीं किया है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। वाओ, दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं इस चर्च में पिछले साल भी आई थी, पिछले साल भी इन लोगों ने डेकोरेशन काफ़ी अच्छा किया था, इस बार भी इक्वली गुड है। आप देख पा रहे हैं रास्ते में ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो अगर आप ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते हैं बट फेस्टिव वाइब एंजॉय करना चाहते हैं, यहाँ पे ज़रूर आइएगा। हर साल की तरह इस साल भी इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन किया है। साथ में ये लोग क्रिसमस कैरल भी प्ले कर रहे हैं। मैं यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मे भी कॉपीराइट आ सकता है, मैंने वो म्यूट कर दिया है। बट यहाँ का एम्बियंस बहुत ही अच्छा है, मुझे लगता है ये 31st तक ज़रूर रहेगा। अगर आप लोगों को टाइम मिलता है ज़रूर विज़िट कीजिएगा ये चर्च।
लोकेशन आप लोग देख रहे हैं ये किसी चर्च का नहीं है, ये एक रोड साइड क्लब के एंट्रेंस में बनाया हुआ है। काफ़ी सुंदर लगा मेरे को तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। चलिए पहुंच गए हैं सैक्रेड हर्ट चर्च जो कि काफ़ी नियर बाई है सेंट पैट्रिक चर्च से। इन लोगों ने भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन किया है। इसका साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस चर्च, बट डेकोरेशन इन लोगों ने ऑसम किया हुआ है। आप लोग देख पा रहे हैं जो क्रिसमस ट्री है वो पूरा लाइट का बना हुआ है एंड एज पर मी दैट्स अ रियली यूनिक कॉन्सेप्ट। चर्च के अंदर में भी इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन किया है। जीसस की जो स्टोरी है वो डिफरेंट पिक्चर पेंटिंग मॉडल के साथ इन लोगों ने एक्सप्रेस किया है जो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो डेफिनेटली इस चर्च को भी विजिट कीजिएगा आपके नियर एंड डियर वंस के साथ, आपका माइंड डेफिनेटली रिफ्रेश हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मैं जा रही हूँ बैंगलोर के वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक रेस्टोरेंट में टू हैव अ कैंडललाइट डिनर विद माय हस्बैंड, बट वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था इसलिए रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस फूड रिव्यू मैं इस ब्लॉग पे नहीं कर रही हूँ। डेफिनेटली मैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग जो है उस रेस्टोरेंट से ही स्टार्ट करूँगी। तो अगर आप लोग ऐसे किसी रेस्टोरेंट के तलाश में हैं जहाँ पे कुछ स्पेशल मोमेंट स्पेंड कर पाए अपने लव वंस के साथ तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। विश यू ऑल अ मेरी क्रिसमस गाइज वंस अगेन, एन्जॉय द फेस्टिव सीजन, एन्जॉय द फेस्टिव वाइब। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आ रहा है ज़रूर इसको दीजिएगा एक बिग थम्स अप और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। Till then, bye and see you in my next video. Bye.